प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन का आगाह 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। रोमांच से भरपूर दुनिया के सबसे बड़े लीग के पहले मैच में पिछले साल के फाइनलिस्ट चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होगी। बीसीसीआई को मोटी कमाई देने वाला आईपीएल दो सीजन के बाद स्वदेश लौटा है। इस बार लीग में 10 टीमें आपस में भिड़ेंगी। 2011 के बाद यह पहला अवसर होगा जब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में 10 टीमें भाग ले रही हैं। इस बार लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटंस के रूप में दो नई टीम आईपीएल में डेब्यू करेंगी। देश में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में होने के बाद क्रिकेट प्रेमियों को 2019 के बाद पहली बार स्टेडियम में जाकर मैच देखने का आनंद मिलेगा। 2021 सीजन में आईपीएल के सभी मैच भारत में ही खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने स्टेडियम की क्षमता के 25% दर्शकों को स्टेडियम के अंदर बैठकर मैच देखने की अनुमति दी है। लीग में 70 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी 10 टीमों को दो वर्चुअल ग्रुप में बांटा गया है। सभी टीमें 5 टीमों के साथ दो दो मुकाबले खेलेंगी। वहीं हर टीम को 4 टीमों के साथ एक एक मुकाबला खेलना होगा। लीग के सभी मैच का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सभी मुकाबले मुंबई, नवी मुंबई और पुणे के 4 स्टेडियमों में खेले जाएंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 20 मुकाबले होंगे, जबकि ब्रेबोर्न स्टेडियम में 15 मैच खेले जाएंगे। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भी 20 मैच होंगे और पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 15 मैच खेले जाएंगे। सभी 70 मैच 4 ही स्टेडियम में खेले जाएंगे। ऐसे में पिच को जीवंत करना एक बड़ी चुनौती होगी। पिच क्यूरेटर के लिए 2 महीने तक इसको लेकर पूरा काम करना होगा। इसके बावजूद जानकारों का कहना है कि पिच पर बड़े स्कोर बनेंगे। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर यह आईपीएल कई खिलाड़ियों का भाग्य भी तय करेगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।